अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ अपने जो हैं बर्ड वो शेयर करूंगी, लेकिन स्टार्ट इसलिए मैंने यहाँ से किया क्योंकि वहाँ पर तो बहुत शोर है, मुझसे मेरी आवाज़ से ज़्यादा उनकी आवाज़ होगी, तो मैंने सोचा सिर्फ आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूं कि मैं बर्ड दिखाऊंगी और कैसे हैं मेरे बर्ड। ज़रूर आप एंड में मुझे कमेंट करके बताएँ। तो चले चलते हैं अपने बर्ड्स पर। स्टार्ट मेरे मिठू से, ये देखिए मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगी, बस यहीं पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर है मेरे बजरीज, ये देखें। अब मैं इनके आपको ग्रोथ चेक करवाती हूँ। यहाँ पर ये देखें मेरा जो है माशाल्लाह से एक कुजी, उसमें इनके तीन बेबीज़ हैं, ये देखें, ये देखिए मेरे, ये देखिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर भी माशाल्लाह से मेरे, यहाँ पर ये देखें चार बेबीज हैं माशाल्लाह से। आप भी ज़रूर माशाल्लाह कहें। ये देखिए मेरे जो हैं इनके पेरेंट्स, मैंने सॉफ्ट फूड क्या डाली है इनको, ये देखें राइस। यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ, यहाँ पर हैं मेरी फिंचीज, इसमें स्ट्रॉबेरी फिंच का भी एक पेयर है ये वाला, और दूसरी हैं ज़ेब्रा फिंचीज, ये देखें दो ज़ेब्रा फिंचीज के पेयर हैं और एक स्ट्रॉबेरी का पेयर है। तो इनके लिए भी ये देखें मैंने सॉफ्ट फूड राइस शेल ही आज डाल के गई हूँ। यहाँ पर मैंने फॉर सेल कुछ पेयर रखे हुए थे बजरीज के, लेकिन इन दोनों बहुत ज़्यादा जो है सर्दी है तो इनकी प्राइस जो है मुझे कुछ अच्छी नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने इनको यहीं पर कुजियाँ लगा दी। ये जो है मेरे यहाँ पर एक काठे का पेयर भी है लगा हुआ, इसकी मादी जो है वो कुजी के अंदर है, देखें ये यहाँ पर इनको बिल्कुल कुछ भी नहीं कहते। तो ये सब फॉर सेल थे, इन्होंने भी यहाँ पर मैंने कुजियाँ लगा दी, और यहाँ पर इनके भी बेबी हैं, देखते हैं आवाज़ें आती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसका एक बेबी है, ये देखिए अभी ये फर्स्ट ब्रीड है इनकी, एक ही बेबी है। तो चले अब नेक्स्ट चलते हैं। ये मेरा मिठू है, इसकी मैं आपको फीमेल चेक करवाती हूँ। यहाँ पर मैंने दो पेयर जो हैं कॉकटेल के रखे हैं, वाइट और ब्लैक। वाइट ने तो अभी कोई ब्रीड नहीं की इस टाइम, वैसे इसने माशाल्लाह से काफ़ी ब्रीड की है, काफ़ी मेरा अडल्ट है, लेकिन इस टाइम अभी ये रेस्ट पे है। लेकिन ब्लैक ने जो है ब्रीड की हुई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर भी ये भी फॉर सेल ही मैंने रखे हुए हैं कुछ उससे पहले, इसी तरह जब स्टेप बाय स्टेप मैं अलग अलग रखती हूँ तो फिर इनको सेल कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी ये देखिए इन्होंने कुजी में माशाल्लाह से तीन या चार बेबीज़ इनके भी हैं, देखें कितने हैं, तीन बेबीज़ हैं ये देखिए माशाल्लाह से इनके। और यहाँ पर ये देखिए इसके भी बेबीज़ हैं, ये देखिए शेल वगैरह टूटे हुए बेबीज़ हैं, लेकिन ये हमें दिखाएगा नहीं, ब्लैक कॉकटेल। तो ये जो है ब्लैक कॉकटेल जो है, और ये वाइट कॉकटेल की कुजी है। इनको भी मैंने ये देखिए सॉफ्ट फूड राइस शेल ही आज डाले हैं। सॉफ्ट फूड में मैं इनको राइस शेल डालती हूँ, पालक डालती हूँ, एग्स डालती हूँ, ब्रेड डालती हूँ जब ये इनके बेबीज़ होते हैं। तो बस ये है मेरा कुछ इस तरह थोड़ा सा शेड कॉकटेल का, फिंचिस का, अलग अलग मैंने ये सारे ये जो हैं रखे हुए हैं इसी तरह। बजरी सब में ही मैंने थोड़ा बहुत जो है वो शामिल कर दिया है, बस उनके अब जल्द से जल्द उनको सेल कर दूंगी। यहाँ पर मैंने एक पिजन का पेयर रखा हुआ है, ये देखिए ब्लैक टेल और ब्लैक, ये देखिए। और तो ये बड़े आराम से बैठा हुआ है,
वरना ये तो वीडियो बनाने ही नहीं देते। तो बस ये है इनके छोटे छोटे घर। यहाँ पर मैंने कुछ हैंस रखी हुई हैं और अपना ये जो है फैंसी हैन भी रखा हुआ है कुक, ये देखिए अपने घर के अंडे हो जाते हैं, ये देखिए। तो चलें, आपको मेरे ये बर्ड अच्छे लगे तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।